बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तस्वीरें वहां से। सबका अभिनंदन करता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन के लिए सामने आप पधारें ताकि इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो सके। आगे बताओ, कोई तस्वीर दिखा रहे हैं मंच पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, उनके अलावा अमीन कागजी मौजूद हैं और इसके अलावा पुष्पेंद्र भारद्वाज ने सांगानेर से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है दिखाई दे रहे हैं। जुटवाड़ा से प्रत्याशी बनाए गए। अभिषेक चौधरी भी मंच पर दिखाई दिए। दीपोत्सव में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। 1,56,000 दीपक जलाए गए हैं। तस्वीरें जरा देखिए। अर्चना शर्मा भी मौजूद है मालवीय नगर से, उन्हें प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। ये देखिए, जगमग हुई है आज गुलाबी नगरी। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है गुलाबी नगरी में, दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 5 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं और जिस तरह से संदेश देने की कोशिश ये पर्व करता है अपने आप में कई अच्छाई समेटे दीपोत्सव का पर्व। 5 दिवसीय पर्व, हर एक दिन का अपना महत्व, हर एक दिन के पीछे रोचक कहानियां और रोचक इतिहास जुड़ा हुआ। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है। अंधकार को मिटाकर उजाले और रोशनी में प्रवेश का संदेश त्योहार देता है दीपावली। भगवान राम जब 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, इस दौरान वहां के लोगों ने दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था और इसी वजह से ये त्योहार मनाया जाता है। अब आज उसी परंपरा को कई सदियों से निभाते हुए दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। गुलाबी नगरी की बात करें तो 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का तमगा भी अपने नाम किया था और खासियत पर कोटे की विदेशों से लोग यहां पहुंचे हैं, दूर दराज से आए हैं गुलाबी नगरी की रोशनी देखने के लिए। कांग्रेस पार्टी भी इसी कड़ी में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीरें दीप जलाए जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर ये वो रोशनी जो स्टेडियम की शोभा बढ़ा रही है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां जमा हुई है। इस दृश्य को अपने आंखों में कैद करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है और उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और प्रत्याशी। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी भी हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो विधायक हैं और पहले पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर उतारे थे। आप तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अमीन कागजी उनके साथ, अभिषेक चौधरी उनके साथ, पुष्पेंद्र भारद्वाज, अर्चना शर्मा आपको दिखाई दे रही है। दीप जलाकर इस त्योहार को मनाया जा रहा है। कल धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत हुई। धनतेरस को लेकर भी रोचक इतिहास रहा है। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे भगवान कुबेर, और ऐसे में ये पर्व मनाया जाता है। आज की बात करें रूप चतुर्दशी, आज के पर्व को कहा जाता है रूप चतुर्दशी के दिन। महिलाओं को खास तौर पर ये दिन समर्पित रहता है, अपने सौंदर्य में निखारने की कोशिश रहती है और इसी कड़ी में अब कल दीपावली का त्योहार। सुबह से ही जगमग गुलाबी नगरी दिखाई देगी, बाजार सज चुके हैं, दुल्हन की तरह पिंक सिटी को सजाया गया है। क्या परकोटा और क्या परकोटे के बाहर का क्षेत्र, विद्याधर नगर स्टेडियम से तस्वीरें हैं। गुलाबी नगरी में दीपोत्सव का कार्यक्रम और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले दौरे पर थे,
लोहावट वो पहुंचे, फलौदी पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और इसके बाद फलौदी के दौरे के पश्चात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जयपुर वापसी हुई। जयपुर वापसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। आज का दिन खास है, हर किसी के जीवन में उल्लास और उमंग ये त्योहार लेकर आए, यही कामना है। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। कुछ ही दिनों में चुनावी बिगुल बजेगा, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव, परीक्षा की घड़ी इन तमाम नेताओं के लिए। लेकिन उससे पहले दीपावली की तैयारी जोरों शोरों पर।